एक बड़ा तारीखी मौका है कि 1885 में कायम होने वाला इदारा अपना पहला कॉन्वोकेशन मुनक्किद कर रहा है। ये एक तारीखी लम्हा है जो फिर इतिहास में लिखा जाएगा। मेरे सामने 150 साल की एक तारीख नज़रों के सामने आ जाती है। अलीगढ़ के इदारे के एग्जैक्टली 10 साल के बाद 1885 में सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम हुआ, और इस सिंध मदरसतुल इस्लाम के कायम होने से ज़रा से पहले सर सैयद अहमद ख़ान तशरीफ़ लाए। उन्होंने हसन अली अफंदी को मुखातिब हो के कहा कि डोंट थिंक ऑफ ए स्कूल ओनली, एम एट अ कॉलेज टू एक्सपेंड इनटू अ यूनिवर्सिटी। ये सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब था जो 125 साल के बाद वो तकमील तक पहुंचा। हमने इस इदारे की कदामत के करेक्टर को बरकरार रखते हुए हमने इसको जदीद दुनिया की तमाम सहूलियात से आरास्ता किया। कायदे आज़म से मंसूब ये स्कूल जो था, और फिर कॉलेज बना, और फिर अब यूनिवर्सिटी बना, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ़र्स्ट कॉन्वोकेशन भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे होता है कि हमें हमेशा नए चैलेंजेस की तलाश करनी चाहिए, तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम सबको कमिट करना चाहिए कि लेट्स मेक इट अ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। आज की इस तकरीब जो कि अपनी नौयत के एतबार से इंतहाई अहम और गैर मामूली है, क्योंकि इसका ताल्लुक बाबा कौम की मादर इल्मी से है, मुझे खुशी है कि इस तारीखी तालीमी इदारे के तालिब इल्मों से मुलाकात का मौका मुझे कई बार मिला, जिनकी चमकती हुई पेशानियाँ उनकी अदम हिम्मत और बुलंद इरादों की आईनादार हैं। यह अम्र बाई से मसरत है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम वक्त गुजरने के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तवक्को है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद तरक्की करेगा और नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत का ज़रिया बनेगा। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन के इनेकाद पर मैं आप सबको और ख़ास तौर पर इस तारीखी ही इदारे से फारिग तहसील होने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए दुआ करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि वह अमली ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद कौमी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में पूरे जोश और जज्बे के साथ शरीक हो जाएंगे। द गोल्ड मेडल्स आर बीइंग अवार्डेड टू मिस फायजा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस सितारा सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मिस गुल अफरोज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज, मिस निमरा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज, मिस मारिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिस मागुल नादर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। द सिल्वर मेडल्स आर बीइंग अवार्डेड टू मिस सुमेरा असलम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर जरीर अनस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मिस्टर हसनैन अली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज, मिस्टर मोहम्मद अतीक खान फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, मिस रोजीना सिंधु फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिस्टर एहसन अभी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। द बेस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडल इज अवार्डेड टू मिस फायजा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।